स्टूडेंट आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक करिए। आज का हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण जी के प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछे गए प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जीके के प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? तो किस शासक के समय में आया था? हमारा ऑप्शन पहला है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान जो है आया था, जो कि 380 से 412 ईस्वी के बीच उनके दरबार में आया था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर दो, क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो इनमें से क्या है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का सी वाला सही हो जाएगा, चेक मुद्रा जो है एक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है चेक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो किस वर्ष, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन हमारा दिया 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, 4थी पंचवर्षीय योजना जो है इसे लक्षित विकास दर को जो है विकास दर लक्षित किया गया था, जो कि इसमें विकास दर हमारा 5.7 था और वही वास्तविक विकास दर जो था हमारा वो 3.3% रहा। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल हमारा कब था? तो इसका कार्यकाल हमारा 1969 से 1974 तक जो है पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था इस तिथि को, ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता जो है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत हमारी भारत की जनता है, क्योंकि जो है ये हमारा भारत है जो कि प्रजातांत्रिक देश है और इसमें जो है जनता का ही शक्ति के कारण जो है कोई भी व्यक्ति चुना जाता है उच्च पद पर, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर छः, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए दिया है संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, समवर्ती सूची जो है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा संबंधी विषय संविधान की अनुसूची 7 में है जो कि समवर्ती सूची में वर्णित है और जिस पर कानून बनाने के अधिकार में जो है केंद्र ने 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इस शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 19 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, अनुच्छेद 33 जो है इसके अंतर्गत जो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान प्रतिस्थिति क्या है? तो क्या है ऑप्शन हमारा दिया है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मानव अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला,
वैधानिक अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार हमारा जो है इसकी स्थिति वर्तमान में वैधानिक अधिकार हो चुका है, क्योंकि यह जो है हमारा पहले मूल अधिकार में था जो कि 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, और इसे जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे 1977 में जो हुआ था उसके तहत इसे 300 के ए में रखा गया है, और ये एक वैधानिक अधिकार हमारा है, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, और इसे जो है संविधान में जो है हमारा किस भाग में रखा गया है? तो हमारा इससे जो है 36 से 51 यानी कि भाग चार में रखा गया है, भाग चार, और इसका जो हमारा प्रश्न है 10, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, तो क्या प्राप्त करना आवश्यक? हमारा ऑप्शन ए दिया है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, ऑप्शन बी कुल हुए मतदान का 66% प्राप्त हो, और ऑप्शन सी कुल कराए मतदान का 50% प्राप्त हो, और ऑप्शन डी कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, जो कि कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत, इस यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और जो है राष्ट्रपति का हमारा निर्वाचन का जो अनुच्छेद है हमारा 54 है, तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य? ऑप्शन हमारा ए दिया है अपनी नीति को चुनना, और ऑप्शन बी शक्ति पुंजों से तटस्थता होना, और ऑप्शन सी विश्व में शांति एवं एकता लाना, और ऑप्शन डी तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि शक्ति पुंजों से तटस्थता होना गुट निरपेक्ष से तात्पर्य हमारा हो गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1945, ऑप्शन बी वर्ष 1947, और ऑप्शन सी वर्ष 1950, और ऑप्शन डी वर्ष 1954। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, जो कि वर्ष 1945 में ही हमारा भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए दिया है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, और ऑप्शन बी विश्व व्यापार को बढ़ावा, और ऑप्शन सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, और ऑप्शन डी व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, जो कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है, ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, और ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा बी वाला, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल में के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल कमेटी, और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, सेंट्रल बैंक इसके द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाना आरंभ हुआ, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन हमारा एरिया है जिम कार्बन, ऑप्शन बी वाल्मीकि थापर, ऑप्शन सी सैयद माउंट गोमरी, और ऑप्शन डी अतुल सेठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद माउंट गोमरी, इनके द्वारा जो है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? हमारा जो रिक्त स्थान दिया है में स्थित है, वो एक अधिकृत
ब्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बना जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 18, शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, चीन, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये हमारे जो है शामिल हैं। ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो इसमें दिया हमारा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी खगोलीय इकाई और ऑप्शन सी पारसेक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि पारसेक। पारसेक हमारा जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन हमारा ए दिया है नियासिन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन सी साइनोकोब्लामिन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, ऑप्शन हमारा ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन और ऑप्शन सी फेरल और ऑप्शन डी कॉपरनिकस, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए, न्यूटन ने जो है गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, डीटीबी का विस्तार करें, तो इसका जो डीटीबी का हम विस्तार करेंगे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डीटीबी का, तो ऑप्शन हमारा दिया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी दिल्ली टॉप पब्लिशर और ऑप्शन डी डेस्कटॉप पर सेकंड, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है डीटीपी का जो विस्तार है फुल फॉर्म है, ऑप्शन हमारा बी ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, दवा खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका होता है, ऑप्शन हमारा ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा, जो कि बेंजोइक अम्ल का जो दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो किसके साथ करता है, ऑप्शन हमारा ए दिया है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुरज्जु और ऑप्शन डी केंद्रीय तंत्र, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा, मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, तो ऑप्शन हमारा दिया है संक्रामक, ऑप्शन बी उपमार्जित और ऑप्शन सी अनुवांशिक और ऑप्शन डी जन्मजात, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक लक्षण जो होता है रंग वर्णांधता का जो प्रकार होता है अनुवांशिकता से यह रंग वर्णांधता का रोग होता है, और यह जो होता है जन्म जो अनुवांशिक होता है जो कि इसमें जो रंग को नहीं हरा और लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं इसमें इस प्रकार का दिक्कत होता है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। तो आज का हमारा जो प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हिंदी की प्रैक्टिस भी हम इस चैनल पर देंगे और इस पर जो है डेली करंट अफेयर वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।